9 घंटा पहले ही पता चल गया सबको कि पुल टूट जाएगा, 7 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, और 6 घंटा से खाली करना शुरू कर दिया। ना कोई इंजीनियर थे, ना कोई कुछ था, और जब आप भाग रहे थे तो फिर कर्मचारी को आपने जान में जोखिम में क्यों डाला? ये तो 302 का मुकदमा बनता है, और अभी तक इसके परिजन के बारे में कोई चिंता, कोई गंभीर चिंता नहीं की है। मर गए, दबे हुए हैं, तो आप निकालिएगा ना मलबा को। अभी आप इनके परिजन को नहीं खोज रहा है, जो महंगा सामान है उसको लेके भाग रहा है। बाप रे बाप, क्या अनर्थ है भाई। इस परिजन को आदमी से ज्यादा चिंता महंगा सामान, क्या दुनिया, इंसान मतलब जानवर से भी बदतर, उनका सामान बहुत महंगा है। ऐसी कंपनी के मालिक को फांसी पे लटकाना चाहिए। सिंगला कंपनी के मालिक पर FIR लॉज हो, 302 का मुकदमा लॉज हो, सेक्रेटरी पर मुकदमा लॉज हो, और जो जो लोग इतने दिनों के अंदर PWD मिनिस्टर रहे हैं, जो काम इसको दिए हैं, जो एक साल के अंदर जांच नहीं हुई, उन लोग की भी संपत्ति की जांच हो। और ये चोर बाजे जोर से, सुब बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकता है ये बीजेपी वाला, इन लोगों को तो शर्म आता। अब बगल में आपको मनिहारी पुल बन रहा है, अब तो डर ये लग रहा है कि कल क्या मनिहारी पुल की गुणवत्ता का क्या होगा। तो हम चाहते हैं सिंगला कंपनी एंड किसी भी, कोई भी, सुपौल में भी पुल बन रही है, कोई भी कंपनी जो पुल बना रहा है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का, पूरा गुणवत्ता का जांच रुटकी से और जहां से हो पहले करवाइए। जितना काम हुआ है उस योजना का आप पहले की जांच करवाइए, फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर टोटल रिपोर्ट आप करवाइए, और तब तय करिए कि क्या इसको आगे काम कैसे, किस प्रक्रिया में कर दिए। एक दूसरी चीज, इंक्वायरी जरूरी है इन लोगों की कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें, किसका किसका टेलीफोन लगातार सिंगला कंपनी के मैनेजर को, चेयरमैन को, मालिक को जाता है, इसको भी आप इसको लीजिए, किसका किसका जाता है टेलीफोन, किसका किसका गया है, कौन MLA, कौन MP, कितना फोन, यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कितना किया, पटना में प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको कितना किया, ये इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंट को भी देखना पड़ेगा हमको। तो हम कॉल डिटेल निकालिए, हम चाहेंगे कि पूरा कॉल डिटेल निकाले, इसमें कौन कौन नेता का फोन जाता रहा है, किस किस पदाधिकारी का फोन जाता रहा है, क्या कारण है कि 10 बार 20 बार 5 बार 7 बार फोन इन लोगों का गया है। कंप्लीट रूप से सरकार को अविलंब मुख्य न्यायाधीश या चीफ कोई जस्टिस के अंडर में इनकी जांच करा देनी चाहिए। कि एक तो आप MM जाकर के देखिए छर का, दूसरा आप बांका से जो जबरदस्ती दादा लोग वहां से बालू, मट्टी का बालू भेजते हैं, बालू में 60-70% मट्टी होती है, अब तो वहां बालू रही नहीं, फिर भी बालू के खदान को वहां पर, क्योंकि वहां पर सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व है। देखिए, खाली गाली देना किसी कंपनी को, कंपनी में हिस्सेदार और भागीदार सब है ना, हो लोकल से ऊपर तक ना, ये कंपनी यहां चल कैसे रही है, कंपनी को 60% कौन दे रहा है, ऊपर से नीचे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बचे हुए हैं, पदाधिकारी भी है, नेता भी है, लोकल भी है, ऊपर भी है, और लगभग नेताओं का जो रिश्तेदार लोग है कहीं न कहीं से काम करता है, किसी न किसी पुल निगम में, किसी न किसी बड़े बड़े फैक्ट्री बनती है। तब यह सबसे इम्पोर्टेंट है, बहस सवाल ये नहीं है, बहस का सवाल है कि क्या बिहार में किसी पुल पर चढ़ा जाएगा या नहीं। अब मुंगेर पुल अभी बनी है और आप कह रहे हैं कि नहीं, ओवरलोड नहीं जाएगा इस पुल, ये तो खूनी पुल हो गया, आप इस पुल का नाम खूनी पुल रख दिए। 45 घंटे के अंदर सरकार और कंपनी निकाले, अन्यथा अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ बैठे। सर तेजस्वी ने कहा कि सीबीआई नए सिरे से निर्माण होगा, सीबीआई इंजीनियर नहीं है। पहले तो मुआवजा की बात हम करेंगे, और जितने लोग मरे हैं उसको मुआवजा नहीं मिली है, हम सरकार से 4-4 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया की मांग करेंगे। तेजस्वी जी PWD मिनिस्टर हैं, उनको राइट है अपनी बात रखने का,
हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है। उन्होंने सही कहा, इसमें हमारी सरकार कब आई है? 17 साल से सरकार किसकी थी? और सिंगला कंपनी को 17 साल के अंदर मिला कि नहीं? और बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास था? और जब पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास था तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? आप जांच की बात क्यों नहीं करते हैं? और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार आम आदमी को और जनता के बीच में इस बात को लेकर के कि एक जांच कमेटी बड़े लेवल पर बना दिया जाए हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में। यदि आप सक्षम है, आपकी एसआईटी सक्षम है, उसमें हाई कोर्ट के जज को रख लीजिए, लेकिन जितने लोग मरे हैं उसको 10-10 लाख का मुआवजा, इस परिजन को 48 घंटे के अंदर खोज के इनके परिजन दीजिए, इसमें इन्वॉल्व है जोता भी होता है। 6 साल के बाद सवाल, पहले आप इसको समझिए। पहला सवाल मेरा यहाँ ये है कि ये सवाल उठा कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 6 साल के बाद यह सवाल क्यों उठा, यह भी मेरे लिए प्रश्नवाचक चीज। सवाल उठा तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उसको देखना चाहिए। लेकिन 6 साल के बाद, और जो अमृत प्रत्यय जी की बात आप कर रहे हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, फूल निगम में जो जो सेक्रेटरी रहे हैं और जो जो पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी सीबीआई इंक्वायरी, उसकी संपत्ति की जांच और उनकी हिस्सेदारी भागीदारी भूमिका। सर मैं आपको पहले बता दूं, फूल निगम बिहार का जब शुरुआत हुआ था सेपरेट लाया गया था, मैं उस वक्त भी यह सवाल उठाऊं कि क्या फूल निगम दुधारू गाय है? क्या फूल निगम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया? जब आप विभाग से अलग करके सेपरेट किए फूल निगम को, तो तभी एक सवाल आ गया कि फूल निगम बिल्कुल एक दुधारू गाय बन चुका था। और